क्लास फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर सिक्स पिग पैरेट एंड ब्यूटी गर्ल पार्ट फर्स्ट। तो ये एक स्टोरी है। मैनी इयर्स एगो इन एंशियंट लैंड ऑफ राजगिरी, बहुत समय पहले की बात है कि ये राजगिरी में, नाउ बिहार, जो कि बिहार में पड़ता है, दे लिव्ड इन अ पुअर लेबर, एक गरीब मजदूर रहा करते थे। ही हैड अ क्लेवर किंग डॉटर, एक इनकी बेटी थी जो कि बहुत चतुर और दयालु थी, नेम लक्ष्मी, उसका नाम लक्ष्मी था। शी वर्क हार्ड होल डे लॉन्ग, वो पूरे दिन बहुत कठिन परिश्रम करती, बहुत सारा काम करती थी। शी टुक केयर ऑफ द पिग्स एंड डू ऑल हाउस होल्ड वर्क, वो अपने घर के पिग्स थे, उसके पिग्स पले हुए थे, उनकी देखभाल करती थी और घर का पूरा काम किया करती थी। वन फुल मून नाइट, एक चंद्रपूरी रात, ऐसी रात आई जिसमें पूरा चांद था। एज शी वॉच द पिग, जब वो पिगों को देख रही थी, शी सॉ यंग मैन हरिंग पास्ट, उसके पास में एक नौजवान व्यक्ति आया। सर व्हाई आर यू इन अ सच अ हरी, शी आस्क्ड हर, उसने पूछा, तो उस लड़की ने पूछा, सर आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? तो आई हैव रीच्ड अ होली गंगा, उसने बोला कि मैं जो गंगा नदी है वहां जा रहा हूँ, टू बाथ देयर टू नाइट, आज रात में नहाने के लिए। ही रिप्लाइड एज अ स्टॉप टू रेस्ट, और वो ये बोल के रुक गया। You never make it, she said sadly. It's too far, but I can help you, said the girl. फिर उसने, लड़की ने बोला, लक्ष्मी ने बोला, ये वो बहुत दूर है, तो आप थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो। Then what should I do? asked the man. तो उस मैन ने बोला, व्यक्ति ने, कि बताओ फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। Go to the pool where my pigs are. उसने बोला कि इस पूल में चले जाओ जहाँ मेरे पिग्स हैं। लक्ष्मी रिप्लाई, लक्ष्मी ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, When I tell you the blessed moment of you must have in bath in a pure mind. और आपको जो है थोड़ा सा स्नान कर लो उस पूल में जाके, उस पूल में जाके थोड़ा सा स्नान कर लो। शी सेड फॉर सम रीजन द मेन ट्रस्टेड लक्ष्मी एंड प्लग द इन अ पूल, और वो उस पूल में कूद गया। When they stood up in hand were full of jelly from the bottom of the pool. जब वो उस पूल के अंदर गया, नीचे गया, तो उसने देखा कि जब वो बाहर निकला तो उसके हाथ में बहुत सारी ज्वेलरी थी। Now dip into it again. और जब वो दोबारा उसमें गया, said लक्ष्मी, लक्ष्मी ने जब दोबारा कहा, तो द यंग मैन डिड द सेम, बट इट ट्राइम टू केम अप ओनली द मड, पर उसके बाद दोबारा में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी थी। द एक्सपीरियंस मूवमेंट डिड इन नीट पास, उन लोगों ने बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ में व्यतीत किया। द यंग मैन वाज सो इम्प्रेस्ड विद लक्ष्मी, जो यंग मैन था वो बहुत खुश था लक्ष्मी से। डैडी आस्क्ड हर टू द मैरी हिम, और उसने लक्ष्मी से शादी का प्रस्ताव रखा। दे बोथ वेंट टू हर फादर, वो दोनों अपने पिताजी के पास गए, एंड रिक्वेस्ट फॉर मैरिज, और अपने पिताजी से शादी के लिए, मैरिज के लिए बोलने लगे। आप लक्ष्मी फादर एग्रीड, और लक्ष्मी के जो पिताजी थे वो राजी हो गए। वन देयर मैरिज, उनकी विवाह के बाद, लक्ष्मी एंड हस्बैंड रिसीव स्पेशल गिफ्ट, उनके फादर ने लक्ष्मी को, लक्ष्मी के हस्बैंड को, एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट दिया। फ्रॉम हर फादर ए पिग एंड लैंड, ए पिग डेट लेड ऑल द पिग्स इन द लैंड, जहाँ पे एक बहुत बड़ी लैंड थी, जगह थी जहाँ पे बहुत सारे पिग्स थे। ए पैरेट एंड स्पीयर्ड ऑन गॉड, जहाँ पे तोते भी थे, पैरेट्स भी थे, और गॉड इंद्रा रेनबो काउट अ काउ एंड कुड गिव मैनी गुड थिंग्स, और बहुत सुंदर सुंदर काउ और एनिमल्स जो थे ऐसे उन्होंने गिफ्ट दिए। दे बोथ लिव पीसफुली और सर्वमन, वो बहुत काफी समय तक, काफी महीनों तक बहुत अच्छे से रहने लगे। वन डे द पैरेट रिटर्न फ्रॉम द हेवन क्राई, एक दिन जब उनका तोता वहां लौट के वापस आया रोता हुआ, इंद्रा विल अलाउ रेन ओनली ऑन द बैरन हिल नेक्स्ट सीजन, लक्ष्मी गॉट एन आइडिया। तो उनका तोता जो था वो रोता हुआ वापस आया, क्योंकि जो इंद्र भगवान थे तो उन्होंने ये बोला था कि हम अगले सीजन में केवल उन्ही जगहों पे बारिश करेंगे, केवल बंजर पहाड़ियों पर ही बारिश की अनुमति देंगे, जो पहाड़ियां बंजर हैं, सूखी हुई हैं, इसे वहीं पे बारिश की अनुमति देंगे। तो इसके आगे का चैप्टर मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू क्लास।